धार जिले के पीथमपुर में अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पड़ोस के घर में चार दिन से कोई हलचल नहीं होने और बदबू आने से पड़ोसियों ने जाकर देखा और मामले की सूचना पुलिस को दी। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में अज्ञात महिला की लाश मिली। पुलिस ने मौके से महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया महिला की हत्या होने का मामला सामने आ रहा है। पति और बच्चे घटना वाले दिन से ही गायब है। घटना की भनक लगते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। FSL अधिकारी की माने तो महिला के गले में दो दुपट्टे लपटे हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि गला घोटकर हत्या की गई है। गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की मनमानी कॉलोनी में एक निजी मकान के कमरे से एक अज्ञात महिला का चार दिन पुरानी लाश पुलिस ने बरामद की है। रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी कि बंद पड़े कमरे से बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा तो एक महिला की लाश पड़ी हुई मिली। ये अभी हमने मनमानी कॉलोनी में डेड बॉडी देखी है, सत्तार खान के मकान में। किराए से एक दंपत्ति रहने आ रहे थे तो महिला की मुझे सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी मिली है। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। मैं आई तो देखा मैंने महिला की ताला टूटा हुआ बाहर पड़ा था और अंदर देखा गया पहले से कि महिला की डेड बॉडी देखी, जो कि कपड़े से चेहरा उसका कपड़े से ढका हुआ था और उसका गला दुपट्टे से कसा हुआ था। दो दुपट्टे कसे हुए थे गले में, काले रंग का और एक गुलाबी और एक बादामी कलर का, और दुपट्टे का एक पल्ला उसके चेहरे पे ढका हुआ था। जब हमने उसकी डेड बॉडी देखी तो उसकी अच्छे से देखी तो उसमें गले में वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको गले में दुपट्टा कस के शायद उसकी हत्या की गई है। तो मैम ये माने कि धारदार हथियार से ना करते हुए ये दुपट्टे से हत्या की। डीकम्पोजिशन की स्थिति में है, पूरा शव से बॉडी फ्लूइड निकल रहा है और कुछ भी मतलब पीएम के दौरान बाकी चीज़ें स्थिति स्पष्ट होगी। जो प्राथमिक रूप से सबसे पहले मुझे दिखा है वो मैंने आपको बताया है कि उसके गले में दो दुपट्टे कसे हैं। प्राथमिक दृष्टि देखा जाए तो ये हत्या का आशंका है। ये दरवाजा डेड बॉडी अंदर है और दरवाजा बाहर से लॉक है तो उसी से प्रथम दृष्टया तो यही अंदेशा होता है कि मर्डर का है। और कितने दिन पुराना ये लाश होगा? ये 4 से 5 दिन पुरानी हो सकती है जी। और भी कुछ साक्ष्य मिले हमें घर के अंदर? और कुछ नहीं मिला हमको अभी। और हम अभी और देखेंगे स्पॉट को अच्छे से। अभी हमने डेड बॉडी रवाना करवाई। महिला की क्या उम्र हो सकती है इसके बारे में? क्योंकि बॉडी फूल गई है तो स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, तो हो सकता है महिला 25 से 30 वर्ष के बीच में। मैम आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं पिंकी मैंडे, जिला वैज्ञानिक अधिकारी। क्या है सर पूरा मामला जी, जो मनमानी कॉलोनी में आज शाम को सत्तार के घर से एक सूचना दी गई थी कि यहाँ पर अज्ञात महिला दिख रही है, जो उसके कुछ दिन पहले 17 तारीख को रहने आए थे जी। और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। FSL पार्टी बुला ली है और अभी उस पर संदेह है। डेड बॉडी को देख के प्रथम दृष्टया संदेह है, अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जो मकान किराए से लेने आया था वो अभी मौके से फरार है, तो घटना में अभी संदेह और पोस्टमार्टम कराने। कितने लोग रहते थे कमरे में? ये जैसा मकान मालिक ने बताया कि दो लोग आए थे और उनके साथ एक बच्ची भी थी छोटी, जो लगभग 1 साल की थी। और वो बच्ची भी नहीं है और जो किराएदार था वो भी नहीं है, उसकी वाइफ की डेड बॉडी। मूलतः सर कहाँ के रहने वाले थे? अभी ये जांच की जा रही है, तस्दीक की जा रही है कि एक्चुअल में उसका नाम क्या था। अभी प्रथम दृष्टया नाम और ये सब हमारे सामने नहीं आया। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं थाना प्रभारी चंद्रमान सिंह चडार, Sector 1। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।